नमस्कार दोस्तों, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए आज इसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल रेंज कैल्शियम की, हम लोग टोटल कैल्शियम की बात करने वाले हैं। एक आयोनाइज्ड कैल्शियम भी होता है जो टोटल कैल्शियम का लगभग आधा होता है। तो टोटल कैल्शियम की अगर आपने जांच कराई ब्लड में, तो उसकी मात्रा होनी चाहिए 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में। 8.5 से 10.2 के बीच में वैल्यू है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे संबंधित कोई बीमारी का इलाज चल रहा है तो इसी रेंज में रखना है, और आपने जाँच कराई, रूटीन टेस्ट है और इसके बीच में है तो ठीक है। हालांकि कई बार 8.5 से लेके 10.5 तक को भी कंसिडर करते हैं, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि 8.5 से कम हो जाए, तो उसको बोलेंगे कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है, हाइपोकैल्शीमिया हो गया है। तो ये भी एक बीमारी है। और कैल्शियम का बढ़ जाना, 10.5 के ऊपर चले जाना, जिसको हाइपर कैल्शीमिया बोलते हैं, वो भी एक बीमारी है। तो जांच में कैल्शियम की मात्रा चाहे कम हो जाए चाहे बढ़ जाए, दोनों बीमारी के बारे में बताता है। कहाँ की बीमारी हो सकती है, तो ये चाहे थायराइड की बीमारी हो, बोन की हो, इसके अलावा टीथ की बीमारी हो, कुछ तरह के कैंसर हो सकते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, पेट की बीमारी हो सकती है, दवाइयों के असर के कारण हो सकती है। तो कैल्शियम का कम या ज़्यादा हो जाना ये बहुत मल्टीपल बीमारियों में हो सकता है, और मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, स्पेशली थायराइड, पैराथायराइड, किडनी, बोन, जो आंत है एब्जॉर्प्शन उसका, लीवर, ये सारे आर्गन प्रमुख आर्गन है जिनमें बीमारियां हो, तो इसका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए ये एक ऐसी जांच है जो हड्डियों से संबंधित बीमारी में, चाहे हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, अर्थराइटिस हो, रीढ़ की हड्डी में हो, पैर की हड्डियों में हो, या जो किडनी के मरीज हैं उन लोगों में, ठीक है। इसके अलावा ऐसे लोग जो क्रिटिकली इल हैं, हॉस्पिटल में काफ़ी दिन से भर्ती हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, बुढ़ापा है, ठीक है, या जिनको हार्ट संबंधी समस्या है, या ऐसे लोग जिनको कैंसर का इलाज चल रहा है, या ऐसे लोग जिनको कुछ स्पेशल तरह के कैंसर है, उसमें ये कैल्शियम की जाँच कराई जाती है। तो एक रेंज में होना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला कि 8.5 से लेके 10.2 तक होना चाहिए, या 10.5 भी कई लोग कंसीडर करते हैं, और उसके नीचे होगी तो फिर वो कम ज़्यादा आएगा, अब नॉर्मल रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल कैल्शियम की मात्रा जो ब्लड में होनी चाहिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।